छठे चरण में 7 राज्यों के 59 सीटों पर कल होगा मतदान। कई दिग्गजों की किस्मत रहेगी दांव पर, छठे चरण का मतदान कल। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा छठे चरण में बीजेपी और कांग्रेस रहेंगे जीरो, चुनाव बाद मिलेगी नई सरकार और नया प्रधानमंत्री। सिद्धू का बीजेपी पर निशाना, कहा न राम मिला न रोजगार मिला, लेकिन हर गली में मोबाइल चलाता बेरोजगार मिला। सिख दंगों पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान, पार्टी के लिए बना बड़ी मुसीबत, कांग्रेस घिरी तो सैम पित्रोदा ने मांगी माफी, राहुल गांधी भी खफा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा बीजेपी कभी अटल अडवाणी की पार्टी नहीं बनी, ना कभी मोदी शाह की पार्टी बन सकती है। नमस्कार, नेशन अप टू डेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के छठे दौर के चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। इस चरण में 7 राज्यों में 59 सीटों पर 12 मई को मतदान कराए जाएंगे। जिन सीटों पर मतदान कराए जाएंगे उनमें से उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, 3 राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 8-8 सीटों और दिल्ली की 7 और झारखंड की 4 सीटें शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनमें से बीजेपी ने 45, तृणमूल कांग्रेस ने 8, कांग्रेस ने 2 और समाजवादी पार्टी और लोजपा ने 1-1 सीट जीती थी। चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के मुताबिक मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में उम्मीदवार किसी भी माध्यम से प्रचार अभियान नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का चुनाव कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला करेगा। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को 11 पन्नों में जवाब भेजा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब शहडोल में उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिसमें आदिवासियों को गोली मारने की अनुमति दी गई है, तो उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। राहुल ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि वो आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करते वक्त निष्पक्ष रहे और कांग्रेस के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया न अपनाए। आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने भारतीय वन कानून में प्रस्तावित संशोधन को अपने एक भाषण में सरल ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी की दलील है कि वन कानून 1927 की धारा 66 में संशोधन के सरकारी प्रस्ताव पर अपने भाषण की रौ में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मंशा पुष्ट तथ्यों का बयान कर लोगों को बहकाने की नहीं थी। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार तीखे प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सिद्धू ने पीएम पर चुनाव के दौरान विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने पीएम मोदी को रोजगार, नोटबंदी और वस्तु और सेवा कर जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने इंदौर के सिंधी कॉलोनी में कांग्रेस की चुनावी सभा में कहा, मोदी में दम है तो वो रोजगार, नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़े, लेकिन वो लोगों को धर्म और जात पात के नाम पर बांटकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गंगा नदी को साफ करने, 2 करोड़ नौकरियों देने और विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने के वादे निभाने में नाकाम रहे हैं। सिख दंगों पर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान, पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। दिन भर पार्टी की ओर से डैमेज कंट्रोल करने के बावजूद खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने रात करीब 10 बजे फेसबुक पोस्ट लिखकर पित्रोदा के बयान को पार्टी लाइन से अलग और पूरी तरह गलत बताया। राहुल ने लिखा कि 1984 एक भयावह त्रासदी था, इसमें न्याय होना चाहिए, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और मेरी मां सोनिया गांधी भी इस बारे में माफी मांग चुकी है। हमारा पक्ष स्पष्ट है कि 1984 जैसी भयावह त्रासदी कभी नहीं होनी चाहिए। राहुल ने कहा कि मैंने खुद पित्रोदा को इस बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। इससे पहले पूरी कांग्रेस दिन भर सफाई देती रही। पित्रोदा ने कहा कि बीजेपी ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए मेरे बयान को
तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। 1984 में मुश्किल समय में सिख भाइयों बहनों के दर्द का मुझे एहसास है और मुझे दुख है। खबर असम के नागांव से, जहां रोहा थाना के पास रोहा क्षेत्र में नाम घरों में मंदिरों में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के क्रम में श्री हनुमान मंदिर में चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर 3 किलो चांदी की सामग्री ले उड़े। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल नगरी चापरमुख मारवाड़ी पट्टी स्थित श्री हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार के 2 ताले तोड़कर चोर मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर मंदिर स्थित प्रभु का सिंहासन, छतर, घंटे सहित 3 किलो चांदी के सामग्री ले उड़े। जब सुबह पुजारी मंदिर में आया तब देखा कि मंदिर के कपाट खुले हुए हैं और मंदिर के सामान छितर बितर होने के साथ ही सामान गायब है। तो वहीं जब पुलिस को खबर देने पर रोहा और चापरमुख पुलिस उपस्थित हुई तो सनिफेर कुत्ते लाकर अपनी तलाशी शुरू की। नौगांव डिस्ट्रिक्ट चापरमुख मारवाड़ी पट्टी में श्री श्री हनुमान मंदिर जो प्रत्येक साल पूजा माने जन्मोत्सव हनुमान जन्मोत्सव मेला मनाया जाता है और ये ऐसा मंदिर अबाउट 70 ईयर्स से ये मंदिर स्थापित है और इस मंदिर का प्रोग्राम बराबर होते रहता है और जो जो ज़रूरी होता है वो सभी सुविधाएं इस मंदिर में है। और ये जो रात में 2:12 से 2:30 के बीच में रात में मंदिर के जितने भी मुकुट, सिंहासन और छत्र जो भी थे सब चांदी के समान रात में गायब हो गए, कोई चोर चोरी करके ले गए। कितना किलो चांदी थे? अंदाजे 2.5 किलो अंदाज एप्रोक्स में 2.5 से 3 किलो। दिन दहाड़े एक युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो व्यस्त सड़क पर राह गुजरते भारी भीड़ के सामने ही एक युवती ने कीटनाशक फिनाइल पी गई। दिन दहाड़े हुई शिवसागर शहर के जिंगोनी कटिया अंचल में यह सनसनीखेज घटना। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फिनाइल पीकर आत्महत्या का नाकाम प्रयास करने से ठीक पहले युवती काफी देर से किसी से मोबाइल फोन पर बातचीत कर रही थी। फिर फोन बंद कर युवती ने अपने हैंडबैग के भीतर से फिनाइल की बोतल निकाली और पीने लगी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने उसे बचा लिया। संभवतः विफल प्रेम कहानी के चलते युवती ने इस प्रकार फिनाइल का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। आज दिन बजार देखी प्राय अलग देर रही पे কথা কাবালে ফোন করেছিলে তারপর অলপ দেরি পিছন দেখা পাওয়া গেল তাই বেগর পর একটা পেনাইল বোতল লোলে নিজেই মুখত সুমাই দিলে তাকে দেখে আমি ওসর যখন মানুষ আছে অকল দৌড়া দিকে আমি রখালো রখাই পেলে পানি বোতল দি পেলে খুলি করালো পেনাইল খালে নি প্রায় অলপমান খাইছে বড় বেশি খাওয়া কিন্তু প্রায়খানি খালে পিছনে আমি পুলিশ অল্প ফোন করলো পুলিশ আই পেলে মেডিকেল নিশ্চয় লৈ যাব কেলে খাইছে কিনা কইছে নি ছলি সেটো কোয়া নাই আমি সুদালকে কোয়া নাছিলে কিন্তু মোমতে প্রেমজনিত হোক কারণ। हाइलाकांदी में दो गुटों की मुठभेड़ में दो गुटों के बीच पथराव किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू करने वाली लाठीचार्ज किया। लोगों का कहना है कि इससे पहले दो गुटों में विवाद हुआ था जिसको लेकर मामला बढ़ गया। बताया जा रहा है कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे। दहेज की कुप्रथा के खिलाफ देश में जितने ही कानून लागू हो रहे हैं उतनी दहेज उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। असम के नौगांव को बोंगाई गांव में लड़की वाले ने मई के सगाई किया था, 5 लाख मांगा था जिसमें लड़की 1,23,000 रुपये दे पाए थे। लड़की वाले पर दबाव बनाने लगे जिसके बाद लड़की वाले प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहाँ पे एंगेजमेंट होने के बाद एंगेजमेंट इवेंट हो गया हम लोग का, मतलब वहाँ पे भवन वन में किया तो हम लोग का बहुत खर्चा भी हुआ, 5-6 लाख हो गया खर्चा। तो वहाँ पे जाके एंगेजमेंट करके जब हम लोग वापस आ गया, आके दूसरा दिन ही नेक्स्ट दिन ही सुना है कि वो लोग दाउड़ी का डिमांड कर रहा था, तो हाँ दहेज का डिमांड कर रहा था 5 लाख रुपया का।
कोई डिमांड नहीं है, मतलब कि ठीक है शादी कर लो। हम बार बार बोला कि भाई कि तुम लड़का हमारा लड़की को पसंद करता है, तो बोला कि हाँ ठीक है, तो बोला कि ठीक है। तो हम लोग मतलब कि एंगेजमेंट किया, तो वहाँ पर बोंगाई गाँव उनका मतलब कि तेरा पंथ भवन में बुक हुआ, ठीक है। पूरा हम समाज के लिए के साथ गया, ठीक है। 5 तारीख के हुआ, छेका भी हुआ, तिलक भी हुआ, जो जो हमको मतलब जितना सका हम दिया था, ठीक है। उसके बाद ना मतलब 5 तारीख को हम लोग तो मतलब एंगेजमेंट करके आ गया। उसके बाद 6 तारीख को आके पूरा जितना हम दिया था गिफ्ट वुट सब फेंक दिया, बोला कि इतना पैसा 10 लाख दो तो शादी करेंगे। तो औरैया के अजीतमल के कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक मृतक की दाह संस्कार में गए 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नहर में गहराई से दोनों डूब गए। मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस में ने और परिजनों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाने में नाकामयाब रही। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। इसी के साथ यहां पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। Combat Sport Shoes brings out the best in you. मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए अध्यात्म दर्शन नेशन लाइव पर। Combat Sport Shoes brings out the best in you. हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। Combat Sport Shoes brings out the best in you. ग्रहों की चाल से रहें सावधान। यहां है शनि की दिशा का समाधान। कैसा चल रहा आपका समय चक्र? राशि फल में देखिए ग्रह चाल, सिर्फ नेशन लाइफ पर। ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। मनुष्य का जीवन कठिन है, उसे जरूरत है दिशा की। अध्यात्म से मिलेगा ज्ञान। देखिए अध्यात्म दर्शन नेशन। ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। Combat Sport Shoes brings out the best in you. आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। हर खबर का मतलब ब्रेक। आवाज तो सब उठाते हैं,
लेकिन समाधान कौन बताएगा? समस्याएं तो सब गिनवाते हैं, लेकिन उनका हल कौन बताएगा? खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन उनकी तह तक कौन जाएगा? आपके इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम चल नेशन लाइफ पर, क्योंकि हम हर पल हैं आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र के रामपुर खराटा गांव से है, जहां पानी से भरी बाल्टी में पैर लगने के कारण पानी गिर गया। इससे गुस्साए नाबालिग ने दूसरे नाबालिग पर ईंट से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। परिजनों का आरोप है कि पैर के लगने से बाल्टी गिर गई थी, जिसको लेकर मेरे बेटे को मार दिया गया। पुलिस आई थी, हम लोग पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। पुलिस अभी आरोपी को पकड़ नहीं पाई। वहीं इस पूरे मामले पर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार का कहना है कि शव का पंचनामा कर और पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यही हुआ साहब कि हमारा लड़का घर से निकला, उसके बाद में द्वारका का लड़का 11 साल का है, हमारा लड़का 8 साल का, उसके बाद घर से निकला, उसके दौड़ा, उसके पैर में बाल्टी लग गई, पानी भरे रखा था द्वारका लड़का जय जय राम। हमारा घर निकला घर से लड़का, उसके बाद पैर में बाल्टी बच गई, उसके बाद में बाल्टी उसकी पानी अड़ा गया, उसके बाद में हमारे लड़का को गुस्सा से द्वारका लड़का जय जय राम पत्थर उत्ते मार दिया। ये कल यानी दिनांक 9 मई की घटना है। ये इसमें दो बच्चों में आपस में खेल में ही कुछ झगड़ा हुआ। ये रामपुर खराड़ा जो का ही थाना वजीरगंज का मामला है। इसमें एक किशन लड़का था और दूसरा लड़का गांव का ही जय जय राम, इनमें आपस में ईंट के टुकड़ा उसको किशन को लग गया और इसकी बाद में मृत्यु हो। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 13 दिन पहले 20 वर्षीय युवती की हत्या हुई थी, जिसका शव आसानी से जंगल में फांसी के फंदे में लटका मिला होने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने आज इस सनसनी का खुलासा करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मां अभी पुलिस की पकड़ से में नहीं आई है। पुलिस का बताना है कि मृतक की शादी जिस जगह तय हुई थी, मृतिका उसका विरोध कर रही थी। वहां DSP ने बताया कि अपने माता पिता के बात को ना मानने पर उन्होंने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर 50 किलोमीटर दूर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के असनी के जंगल में फांसी का फंदा डाल पेड़ से टांगकर फरार हो गए। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 27/4/19 को एक युवती का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया था, जिसमें उसके हाथ भी बंधे हुए थे। हुसैनगंज पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या किए जाने की बात प्रकाश में आई थी। पुलिस ने इस संबंध में हत्या के अभियोग पंजीकृत करके जब विवेचना आगे बढ़ाया तो इसमें पता चला कि ये जो लड़की है इसका नाम शालिनी है और इसके पिता समर सिंह ने ही इसकी हत्या किया है, अपनी पत्नी के साथ यानी कि मृतका की मां के साथ मिलकर के। हुसैनगंज पुलिस ने आज 10 तारीख को मृतका के पिता समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल रवाना किया जा रहा है और उसकी मां की तलाश की जा रही है। कारण क्या बताया जा रहा है, कारण हत्या का कारण क्या है, इसके बारे में साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। उसके पिता को शक था कि वो उनकी लड़की उनका कहना नहीं मानती है और उसकी वजह से उसकी बदनामी हो रही थी। सर क्या शादी का भी कोई इसमें हो रहा था कि शादी? देखिए अभी इसमें और साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, अभी तो आज गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जो प्राथमिक कारण आए हैं उसके अनुसार यही है कि उनके पिता को ये लगता था कि बेटी की वजह से उनकी बदनामी हो रही।
आपको बता दें कि इंदिरापुरम में गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस ने वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शाहिद बताया जा रहा है, जो मेरठ का रहने वाला है। आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। वहीं इस मामले में एसपी का कहना है कि दो पहिया वाहनों की चोरी किया करते थे और मेरठ ले जाकर बेचा करते थे। आरोपियों के साथ 13 दो पहिया वाहन सहित कई अवैध सामान बरामद किए हैं। ये पूरा घटना इंदिरापुरम का है और जहां पे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। और पुलिस का कहना है कि इसमें जो भी इस पूरे मामले में जुड़ा होगा नेटवर्क है, उन सब की गिरफ्तारी की जा रही है और लगातार इसके ऊपर में टीम गठित कर दी गई है। और इनको ये तमाम वो लोग जिनका एक नेटवर्क था दो पहिया वाहन चोरी करके उसे बेच देते थे। ये थाना इंदिरापुरम के वैशाली क्षेत्र में एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 8 मोटरसाइकिल और 5 चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ पर इसने बताया कि ये ऑन डिमांड बाइक की चोरी करके जो भी इसके पास डिमांड प्लेस करता था उसको सप्लाई करता था। इसके फ़ोन पे हमें कुछ व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग्स भी मिली, जिसमें कि इसके पास डिमांड आए हुए थे कि पर्टिकुलर रंग की पर्टिकुलर मॉडल की स्कूटी चाहिए। ये ऑन डिमांड चोरी करता था और इसने बताया है कि पिछले 3-4 महीने से ये वैशाली क्षेत्र में कई चोरियां कर चुका है। यहाँ से ये चोरी करके स्कूटी या बाइक जो भी है वो मेरठ ले जाता था। मेरठ में दो तरीके से उनका उपयोग होता था, या तो जिन्होंने डिमांड किया है ये उनको बेच दिया जाता था, और नहीं तो वहाँ पे कबाड़ी की दुकान में इसको कटा के इसके पार्ट्स बेचे जाते थे। इसके पास से एक बड़ा प्लायर, जिससे कि ये सिक्कड़ वगैरह को काटने में इस्तेमाल करता था, और दो छोटे प्लायर्स जिसको ये इस्तेमाल बाइक के ताले तोड़ने में करता था बरामद हुए। सर, कितने लोगों का गैंग है जो इस तरह से यहाँ पर और कितने लोग अभी फरार हैं जिनको पकड़ना बाकी है? अभी के पूछताछ में ये बात सामने आई है कि लगभग 4 से 5 लोगों का ये गैंग हो सकता है। इसका एक पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है मेरठ का, जिसमें कि ये चोरी की बाइक्स के साथ पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। उसके अन्य साथी भी हैं, उन पर हम अभी काम कर रहे हैं, डेवलप किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के दो बूथ पर दोबारा मतदान होने हैं। चुनाव आयोग ने बैरकपुर 15 लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले कंचरा पारा उद्बोधनी माध्यमिक विद्यालय के पोलिंग बूथ नंबर 116 और आरामबाग लोकसभा सीट के अंतर्गत लस्कारपुर नेताजी प्राथमिक विद्यालय के पोलिंग बूथ नंबर 110 में हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया था। आयोग ने आदेश दिया कि इन दोनों बूथों पर 12 मई को दोबारा मतदान होगा। मौसम विभाग ने 11 मई से लेकर 15 मई तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में आसमानी बिजली कड़कने के साथ ही रुक रुक कर आंधी और बारिश की आशंका जाहिर की है। इस बात की आशंका है कि आंधी पानी के साथ कई जगहों पर बिजली भी गिर सकती है, लिहाजा लोगों को सतर्क रहने के लिए बोला गया है। मौसम विभाग ने 11 मई से लेकर 15 मई तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके में आसमानी बिजली कड़कने के साथ रुक रुक कर आंधी और बारिश की आशंका जाहिर की है। आपको बता दें कि साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए 12 मई और 12 मई को आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग ने 12 मई से लेकर 16 मई तक तेज हवाओं के बीच बारिश होने की अंदेशा जाहिर किया है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी, कई जगहों पर हल्की बारिश शुरू हो गई है। तो 16 मई तक तेज हवाओं के बीच बारिश होने की आशंका है। 13 मई को आंधी पानी की चेतावनी दी जा रही है। कश्मीर के मुद्दे और आतंकवाद फैलाने वाले लेकर पूरी दुनिया में मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा महकमे में एक रिपोर्ट दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी एसआई रूस में मौजूद कुछ स्थानीय निवासियों की मदद से कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत विरोधी गतिविधियों को फैलाने में जुटी है। तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में यह सामने आया कि खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।